यह आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना, कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इंकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। वक्त पे सोया मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे, छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले वो, पर यह बात भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए अपना फर्ज भी निभाना है। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है, तो क्या हुआ उसका पति जिंदा नहीं, देश तो जिंदा है। हो सके तो मेरे पड़ोसी मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना, वो देख ले मुझे फिर मुझे जला देना, लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत बहाना, क्योंकि जल कर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा, शहीद हूं देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं। रास्ते पर थी नजर, दिल में थी बेचैनी, आंखों में थे आंसू और तभी हो गई अनहोनी। चिपटे तिरंगे में जब उनको देखा बिखर मैं गई, जैसे मेरी दुनिया पूरी की पूरी हिल गई। मैंने अपना पति खोया और वतन ने अपना बेटा, तभी हाथ में उन्होंने लिखा हुआ खत मिला और मेरे आंसुओं ने एक नया मोड़ लिया। खत में लिखा था, अगर ये खत तुम पढ़ रही हो इसका मतलब है मैं अब नहीं रहा, पर तुम ये मत समझना कि तुम अकेली हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देश की ढाल मैं बना और हमारे परिवार की तुम। मेरी मुश्किलें तुमने अपनी मानी और तुम्हारी खुशियां मुझे दे दी। खुशी हो या गम, हर वक्त तुमने मेरा साथ दिया, बस एक बार फिर मेरे सपने को हकीकत में बदल देना। हमारे बेटे को मेरा सपना पूरा करने के काबिल बनाना, वादा करना मुझसे हमारे बेटे को तुम देश की ढाल बनाओगी, उसे मेरी तरह एक फौजी बनाओगी। जय हिंद। हां, करती हूं मैं आपसे वादा, कितनी भी आए रुकावटें, कितनी भी आए मुश्किलें, मैं ये सपना पूरा करूंगी। मेरा बेटा फौजी है, ये बड़े फख्र से मैं कहूंगी। आया जब संदेश पिता के शहीद होने का, हम पर टूट पड़ा था पहाड़ दुखों का। मां ने ठान लिया बस अब इस दुख से बाहर निकलना ही है,
उसके दिल में थी आग हमें काबिल बनाने की और मन में थी जिद पिताजी का सपना पूरा करने की। वो धूप में कर रही थी काम हम पर छाव रहने के लिए, हमको किया खुद से दूर हमें बेहतर जिंदगी देने के लिए। वो सहती रही सारे दुख और दर्द अकेली ताकि हम कर सकें अपना मुकाम हासिल। खुद रहकर तकलीफ में वो देखती रही हमारी मंजिल और जब उस मंजिल को अपना मुकाम मिल गया तब मानो माँ का सपना ही पूरा हो गया। देख कर मुझे फौजी बने हुए जब फक्र से उसने मुझे गले लगाया तब पिताजी का सपना जो देखा था माँ ने वो उसने हमारे रूप में पूरा कर दिखाया। की थी परवाह उसने खुद की ना उसे चाह थी खुद के लिए कुछ करने की, बस उसने ठान ली थी राह उस अधूरे सपने को पूरा करने। तो कहाँ की माटी से आता है, कहाँ की माटी पाता है, तो कहाँ की माटी से आता है, कहाँ की माटी पाता है, मेरे देश का वीर सिपाही नाम अमर कर जाता है, नाम अमर कर जाता है। देवी और सज्जनों, स्वर्गीय लांस नायक बच्चन सिंह दूसरी बटालियन राजपूताना राइफल्स, जिन्होंने कारगिल युद्ध में तोलोलिंग की चोटियों पर विजय हासिल करते समय अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश बाला और बेटा लेफ्टिनेंट हितेश, जिन्होंने अपने पिता की बटालियन में ही कमीशन प्राप्त करते हुए अपने माता पिता के सपनों को साकार किया। देवी और सज्जनों, हमारे लिए गौरवशाली पल कि मिसेस कमलेश बाला और उनका सपूत लेफ्टिनेंट हितेश आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारने का कष्ट करें।
कपकपाते हाथों, थरथराते होठों से, आंखों में आंसुओं का समंदर और दिल में यादों का तूफान समेटे एक परिवार अपने लाडले को गर्व से विदा करता है, क्योंकि वो जानता है कि मां भारती का सच्चा सपूत अपने परिवार के साथ किए वादे को तो तोड़ सकता है, लेकिन अपनी मां भारती के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ किए वादे को कभी नहीं तोड़ सकता। हमारे सामने एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जिसमें पिता का बलिदान है, पुत्र का स्वाभिमान है, एक मां का त्याग एवं राष्ट्र प्रेम है। भारतीय संस्कृति में मां की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, मां की बस यही परिभाषा है। इन जैसी माओं को, उन सब परिवारों को हम सबका शत शत नमन, कोटि कोटि नमन।